सर आप यहाँ कोई था नहीं सर, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो कोई भी नहीं था। मुझे क्यों लगा कोई था। हेलो गुप्ता जी की बीवी मायके से आ गई, आ गई बिजली आ गई। ये आवाज कहाँ से? ये तो अनिका की चाची की आवाज थी, इसका मतलब ये लोग भी यहीं पर हैं। नहीं सर मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने सुनी देखिए, आवाज पीछे आउट हाउस से आई है। कोई है क्या वहाँ? कौन होगा? मोहन काका तो कभी जा चुके हैं। आउट हाउस में एक फैमिली आई है रहने के लिए। बेटर फैमिली कौन? प्रियंका की कोई फ्रेंड है शायद। अरे हाँ, प्रियंका ने मुझे बताया था, मैं कैसे भूल जाता हूँ। उन्हीं की आवाज होगी। करना एक काम करना, गाड़ी का फ्यूल टॉप अप करा लो। ओके यस सर। पुत्र तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ। खाना भैया, मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन बारिश में साहिल की तबीयत और बिगड़ जाती इसलिए आना पड़ा। प्रियंका ने कहा था कि हम उनके ड्राइवर के क्वार्टर में रहेंगे लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका ड्राइवर तो सब तो ठीक है निका, लेकिन शिवाय सर को अगर मालूम चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे पता है ना हॉस्पिटल में क्या हुआ था? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मिस्टर ओब्रॉय के सामने बिल्कुल नहीं आऊंगी और सुबह होते ही मैं कोई और ठिकाना ढूंढूंगी। चाची क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ भी तो नहीं। तो इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या छुपा रही हैं आप ट्रंक में? बोला ना कुछ नहीं, चोंच बंद कर तू अपनी। हरे घर से आपने चोरी की? तो क्या हो गया, इतना बड़ा घर है, इतनी छोटी सी चीज का उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चोरी करेंगे। चोरी चाहे एक रुपए की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी होती है। हमारे पास कुछ हो ना हो लेकिन हमारे पास सच है और जहाँ सच नहीं चाची वहाँ कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने हम पे भरोसा करके अपने घर पे जगह दी, सर पे छत दी, मुझे नौकरी दी, हमने उनके घर पे चोंच बंद कर तू अपनी और मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं वो ही करूंगी जो मुझे सही लगता है और जो चीज मुझे गलत लगेगी वो मैं होने नहीं दूंगी। अरे 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 छोड़, इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले मैं इसे रख कर चली जाती हूँ। मुझे लगता है तमीज आपकी माँ में भी नहीं है। होती तो वो जरूर सिखाती कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं वो मैं बकरी की तरह मैं करना बंद करूं? जवाब दो, मेरे घर में इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने पैर रखने की? भैया
भैया मैं इन्हें यहाँ लाई हूँ, ये मेरी फ्रेंड है अनिका। फ्रेंड? हाँ वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे फ्रेंड के घर एक प्रॉब्लम हो गई है। ये वही है भैया, मैंने ही इंसिस्ट किया था इन्हें कि ये आके हमारे आउटहाउस में रहे। कब समझ आएगा तुम्हें प्रियंका, हर रहरा गहरा इस घर में आने के लायक नहीं होता। भैया प्लीज मेरी फ्रेंड की इंसल्ट मत कीजिए। वो दिन पहले मिली है और इतनी अच्छी दोस्त बन गई कि उसकी तरफदारी कर रही हो। भैया इन्होंने मेरी जान बचाई है। और अब मैं समझा क्यों ये सब इसका प्लान था। जानबूझकर तुम्हें काजू वाला डोसा खिलाया ताकि तुम्हारी जान खतरे में हो, तुम्हारी जान बचा के तुमसे दोस्ती कर सके और उसी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा सके। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो प्रियंका की एलर्जी के बारे में जानती भी नहीं। सब बहाने। भैया वो सच कह रही है। मौन प्रियंका, तुम्हारी एलर्जी के बारे में पता लगाना कितना मुश्किल है। ओबरॉय खानदान के बारे में हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। इन जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। सारा का सारा प्लान पहले जानबूझकर तुम्हारी एलर्जी एग्रेवेट की, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गई, अच्छा बनने का नाटक किया और तुम पिघल गई, क्योंकि तुम्हें लगता है इस दुनिया में सब तुम्हारी तरह है प्रियंका। शी यूज्ड यू और तुम्हें पता ही नहीं चला।